एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हाय, आई एम श्रद्धा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ऐसे ही स्किन के रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए। थंबनेल देखकर आपको पता है कि आज मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे काई के ऑर्गेनिक टोमेटिना डी टैन फेस पैक के बारे में, जो कि मुझे बहुत ही यूनिक सा फेस पैक लगा। मैं बताऊंगी आपको क्यों। किसी भी टाइप का फेस पैक एक क्विक फिक्स होगा इंस्टेंट ग्लो के लिए या फिर डी टैनिंग के लिए, तो फॉर दैट रीज़न आई यूज़ दिस। अगर आपने मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस देखे हों तो आपको पता है कि मैं अब स्क्रबिंग नहीं करती हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट आई डू केमिकल पील, जो कि मैं वंस और ट्वाइस इन अ मंथ ही यूज़ करती हूँ। लेकिन क्योंकि गर्मियों का मौसम है और टैनिंग इतनी जल्दी हो जाती है, तो डी टैनिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपने ऊपर अप्लाई करते ही रहना चाहिए, कोई भी DIY फेस पैक या फिर कोई ऐसा फेस पैक। फॉर अ पर्सन लाइक मी, DIY फेस पैक को पूरा क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और लेंदी हो जाता है, बिकॉज मुझे हमेशा से कोई भी एक क्विक फिक्स ही चाहिए होता है, बिकॉज इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो व्हेन आई केम अक्रॉस दिस प्रोडक्ट आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट आउट, बिकॉज इसमें टमेटो है। एज द नेम सजेस्ट, टमेटो इज रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, साथ ही साथ ये हमारे स्किन के डेड सेल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये एक नेचुरल सन प्रोटेक्टेंट है और ये सन बर्न को भी ट्रीट करता है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो दिस प्रोडक्ट्स क्लेम कि इसमें है रियल टमेटोज, और ये एक जेल बेस मास्क है। इसकी कंसिस्टेंसी और जो इसका फॉर्मुलेशन है वो काफ़ी मुझे अलग लगा। इस रीज़न से मैंने बोला कि ये मास्क जो है थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे लिए। इसके साथ साथ है इसमें प्योरिफाइड वाटर, वेजिटेबल ग्लिसरीन, नाइसिनमाइड, फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड एसेंशियल ऑयल्स फॉर इट्स फ्रेग्रेंस। क्योंकि इसमें ग्लिसरीन और एक्वा इन्फ्यूज है, इस रीज़न से इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन तो ये आपकी स्किन को और ड्राई नहीं बनाएगी। क्योंकि जब हम इसे अप्लाई करते हैं, ये नॉर्मल जो फेस पैक्स होते हैं उस तरीके से ड्राई नहीं हो जाता, ये हमें ये वेट ही रहता है। एंड आफ्टर 5 to 8 minutes आप इसको ईजिली रिंस ऑफ कर सकते हो। ये हमारी फेस को ड्राइंग नहीं बनाती है, और क्योंकि ये एक जेल बेस्ड फेस पैक है, इस वजह से अगर इवन आपकी स्किन ऑयली है तो भी आप इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो, वो उसको और ऑयली नहीं बनाने वाली है। क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ किया गया है फॉर इट्स फ्रेग्रेंस, तो इसमें जो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा केमिकली सी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फ्रेग्रेंस है, जो कि अगेन मेक्स दिस प्रोडक्ट अ लवेबल वन। साथ ही साथ इसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स का यूज़ नहीं किया है, जो भी केमिकल्स इसमें एडेड है वो नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। दिस पैक ऑफ 50 grams विल कॉस्ट यू ₹545। अगर आपको इस प्रोडक्ट या इकाई के दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से इसकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं वेबसाइट में, तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इस फेस पैक को अप्लाई करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था, बिकॉज ये एक रेडी टू यूज़ फेस पैक है, हमें इसमें कोई भी एड ऑन्स नहीं करने हैं। जेल बेस कंसिस्टेंसी होने की वजह से इसे फेस पर अप्लाई करना बहुत ही आसान था, इजीली इट वाज ग्लाइडिंग, बिकॉज इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जो कि जब मैंने इनिशियली इसे अप्लाई किया तो आई थॉट कि वो अलग से नज़र आएगा, बट इट ब्लेंड्स टू द स्किन। और फेस वॉश करने के बाद मेरे फेस में ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं लगा, एंड ऑफकोर्स इसे अप्लाई करने के बाद डिफरेंस आपको खुद ही नज़र आएगा। तो यस, ये था मेरा ओपिनियन अबाउट द इकाई टोमेटिना डी टैन फेस पैक। एंड यस, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपकी स्किन ड्राई है आप तो भी यूज़ कर सकते हैं, एंड फॉर ऑयली स्किन एज वेल। तो अगर आपने भी ये प्रोडक्ट ट्राई किया है या फिर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने दूसरे वीडियो पे, तब तक यू टेक केयर, बाय।